नमस्कार, मैं रीनू कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश के बदायूं में महिला जज ज्योत्सना राय की आत्महत्या का मामला सामने आया है। शनिवार सुबह सरकारी आवास में महिला जज ज्योत्सना राय का शव फंदे से लटका मिला है। पुलिस ने कथित तौर पर आत्महत्या की बात कही है। आपको बता दें, महिला जज ज्योत्सना राय के आत्महत्या की जानकारी होने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मौके पर डीएम एसएसपी समेत तमाम अधिकारी पहुंच गए हैं। घटना स्थल पर छानबीन की जा रही है। इस पर एसीपी बदायूं आलोक प्रदर्शन ने कहा कि पुलिस मौके पर पहुंची, उनका आवास पहली मंजिल पर है, दरवाजे अंदर से बंद थे, उसे जबरदस्ती खोला गया और उनका शव छत के पंखे से लटका हुआ था। शव को कब्जे में ले लिया गया है और जांच की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि उनके दस्तावेजों में कुछ चीजें मिली हैं, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। बता दें, घटना का पता तब चला जब सुबह समय पर कार्यालय न पहुंचने पर उनकी कोर्ट के कर्मचारियों ने कॉल किया तो वह रिसीव नहीं हुआ। इस पर कर्मचारी आवास पर पहुंचे तो काफी आवाज और खटखटाने पर दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद करीब 10:30 बजे सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो कमरे में पंखे से शव लटका था, पास में ही मोबाइल पड़ा था और दूसरे कमरे का सामान भी बिखरा हुआ था। इसकी जानकारी कोतवाली इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ने सूचना एसएसपी आलोक प्रदर्शी को दी। इस पर डीएम मनोज कुमार और एसएसपी आलोक प्रदर्शी मौके पर पहुंचे और किसी को अंदर नहीं जाने दिया। फॉरेंसिक टीम साक्षी जुटा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ज्योत्सना राय अवसाद में चल रही थी, यानी कि डिप्रेशन में चल रही थी। उनकी डायरी से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिस पर पुलिस अधिकारी अभी कुछ बोल नहीं रही है। एसएसपी आलोक प्रदर्शी ने बताया कि जांच जारी है। सिविल जज जूनियर डिवीजन ज्योत्सना राय ने आत्महत्या की है। वह मूल रूप से मऊ की रहने वाली है। सूचना स्वजन को दे दी गई है। अब स्वजन के आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।